उपस्थिति पंजिका को अपडेट करने के संबंध में जिला इटावा से एक आदेश आया हुआ है। इस आदेश को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमें अपनी उपस्थिति पंजिका में यानी कि शिक्षक उपस्थिति पंजिका में कौन से पॉइंट्स को अपडेट करना है, क्या इसमें और जोड़ना है, उसी संबंध में ये आदेश है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो आदेश है 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए आवश्यक है। ये जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय इटावा की ओर से जारी किया गया है और इसमें जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है हमें, क्योंकि ये हम जो उपस्थिति पंजिका अपनी अंकित करते हैं उसमें अपना नाम पद वगैरह लिखते हैं, उसी के साथ में आपको उपस्थिति पंजिका में मानव संपदा आईडी का भी उल्लेख करना होगा। इस संबंध में ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर लिखा है, प्रायः निरीक्षण में पाया जाता है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की उपस्थिति पंजिका में मानव संपदा आईडी का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप उपस्थिति पंजिका में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक के नाम के सम्मुख मानव संपदा आईडी का उल्लेख करना सुनिश्चित करें। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी मानव संपदा आईडी को अपने उपस्थिति पंजिका में अपने नाम के साथ जरूर लिखें। तो ऐसा जो आदेश जारी किया गया है ये इटावा जिला के लिए किया गया है, लेकिन यदि ऐसा आदेश कोई आता है तो केवल एक जिले के लिए नहीं होता है ये आदेश। हम उम्मीद करते हैं कि जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी के लिए होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि आप अभी से ये कार्य करना शुरू कर दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मानव संपदा आईडी वहाँ पर नोट करके रखनी है, जिससे कि कोई भी आपके विद्यालय में निरीक्षण के दौरान आता है तो आपकी मानव संपदा आईडी को वहीं से वो ले लेगा, या वहाँ से उसकी फ़ोटो अपलोड करता है तो उसके माध्यम से आपका मानव संपदा आईडी पहुँच जाती है और उससे वो जानकारी जो भी चाहते हैं वो ले लेते हैं। इससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने शिक्षक साथियों में इसे शेयर ज़रूर करें।